हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे जेंगो फॉर्म में कि बिल्ट इन वेलिडेटर कैसे आप लगा सकते हैं अपने फॉर्म में, और कस्टम वेलिडेटर बनाना तो वह बनाकर और कैसे उसको भी लगा सकते हैं अपने फॉर्म फील्ड में, ये सारी देखेंगे। क्लीन मेथड का यूज़ करके हमने ऑलरेडी देखा, आप उससे भी कर सकते हैं, बट उसके अलावा भी यहाँ पर कुछ बिल्ट इन हमें मिल जाते हैं जिसका आप यूज़ सकते हैं। मतलब आपको कुछ ज़्यादा कुछ लिखना नहीं पड़ेगा, जो बिल्ट इन है उसी को अप्लाई कर लीजिए, और आप कस्टम भी अपना खुद का फंक्शन की तरह बनाकर भी अपना वेलिडेटर क्रिएट कर सकते हैं। ये दिखाता हूँ क्विकली। सो मैंने एक फोल्डर बनाया है C32 के नाम से, प्रोजेक्ट है ये मेरा, और इस पर जो 31 में था उसी के तरह बट फॉर्म को मैंने खाली कर दिया एकदम। तो क्या क्या है, ऐप मैंने बनाया स्टूडेंट नाम से, मैं इसको इंस्टॉल कर देता हूँ, मैंने इंस्टॉल ऑलरेडी किया हुआ है। चलिए बढ़िया। तो ये किया, ऐप के अंदर में टेम्पलेट है, ये टेम्पलेट बहुत ही सिंपल से टेम्पलेट जो कि फॉर्म रेंडर करेगा। नो वेलिडेटर लगा दिया जिससे हम जेंगो के एरर को देख सकें, और व्यू हमने बना दिया रजिस्टर व्यू, इसमें पोस्ट मेथड पर हमारा ये चलेगा और गेट पर ये चलेगा। पोस्ट पर हमारा वेलिडेशन चेक करेगा ये इस वैलिड का यूज़ करके कि हमारा फॉर्म सही है या नहीं। अगर सही है तो फिर क्लीन डेटा होकर मैं टर्मिनल में अपना डेटा दिखेगा और हमारा पेज रिडेक्ट हो जाएगा सेम इसी पेज में। ओके, अगर नहीं होता है तो फिर आपको सिंपली अपना जो डेटा है उसका आपको फॉर्म दिख जाएगा, ब्लैंक फॉर्म, नॉट ब्लैंक बट विद डेटा कुछ कुछ फील्ड में। सो ये तो लॉजिक है व्यू का, जिसपे हमें कुछ नहीं करना, वो एज इट इज़ रहेगा, जो हम लोग शुरू से देखते हैं हमारे बिल्कुल वही रहेगा। तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, इसका कुछ खास काम है नहीं। URL हमने डिफाइन कर दिया रजिस्टर, और इसको मैंने यहाँ पर इनर प्रोजेक्ट फोल्डर की URL में भी यहाँ डिफाइन कर दिया। तो अभी तक जो आप देख रहे थे बिल्कुल वही है, बस आपको सीरीज़ को पूरा फॉलो करना है, कहाँ यहाँ वहाँ से बीच बीच में घुस के अगर आप देखेंगे तो फिर आपको अच्छे समझ में नहीं आएगा। तो ये हो गया, इसे क्लोज करते हैं। हमारा मेन काम रहेगा यहाँ पर forms.py फाइल पे, जहाँ पर हमने अपना फॉर्म बनाया हुआ है, ठीक है। तो इसमें हम लोग काम करेंगे, तो अभी सिंपल सा फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म में नेम है, ईमेल है, पासवर्ड है, कोई वेलिडेशन नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। इसको रन करते हैं, पाइथन manage.py और रन, सर्व एंटर की प्रेस करते हैं और ये हमारा रन हो जाएगा। यहाँ पर आपको वेब पेज में देखने को मिलेगा, इनफैक्ट मेरा यहाँ पर ओपन है, तो मैं इसी को एंटर की प्रेस कीजिए, देखो आपको फॉर्म मिल जाता है। अगर आप अभी इसमें कुछ लिखते हैं, जैसे मैं लिखा सोनम, और लिखा सोनम @example.com, और यहाँ लिखो मैं 1 2 3 4 5 6, और सबमिट में क्लिक करो तो फॉर्म हमारा सबमिट हो जाता है सही तरीके से, और आपको डेटा भी आपके टर्मिनल में देखने को मिल जाता है। तो यहाँ तक सब कुछ काम करेगा, इसमें कोई वेलिडेशन हमने नहीं लगाया है। वेलिडेशन हम लोग लगाते हैं, वेलिडेशन बिल्ट इन वेलिडेशन के लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इम्पोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम django.core से इम्पोर्ट करो वेलिडेटर्स। ये इम्पोर्ट किया, अब किस फील्ड में आपको लगाना है, मुझे मान लीजिए लगाना है नेम फील्ड में, तो यहाँ आपको ये वेलिडेटर्स लिखना पड़ेगा, और ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में बिल्ट इन वेलिडेटर लेता है। यहाँ पर लिखना वेलिडेटर्स डॉट, और यहाँ पर आपको बहुत सारे वेलिडेटर मिल जाएगा, जैसे बेस वेलिडेटर, डिसमिल वेलिडेटर, ईमेल वेलिडेटर, और भी आपको मिल जाएगा मैक्स लेंथ वेलिडेटर। यहाँ देखिए नीचे को देखिएगा, मैक्स लेंथ वेलिडेटर, यहाँ पर फाइल एक्सटेंशन वेलिडेटर, उसके बाद मैक्स लेंथ, मीन लेंथ, ये सारी चीज़ आपको मिल जाती है। यहाँ पर देखिए बहुत सारे रिजेक्ट्स वेलिडेटर, बहुत सारे वेलिडेटर हैं जो आप यहाँ से अप्लाई करवा सकते हैं। तो हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि मैक्स लेंथ वेलिडेटर, मैक्स लेंथ वेलिडेटर क्या करेगा, आपको मैक्स लेंथ डिफाइन करने का मौका देगा, यानी कि कितना मैक्सिमम करेक्टर आप इसमें चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि 10 से ज़्यादा अगर कोई करेगा तो आपको एरर मिल जाएगा। एरर कौन सा मिलेगा, जो इसमें डिफाइन किया हुआ वही एरर मिलेगा, अपना खुद का नहीं। तो इतना लिखा, इतना लिखने के बाद यहाँ ये, और इसको कीजिए एक बार रीलोड, यानी कि रिफ्रेश कर लिया हमने। यहाँ पर हम लोग 10 से ज़्यादा करेक्टर का लिखेंगे तभी हमारा वो चलेगा, तो मैं लिखता हूँ सोनम कुमारी और कश्यप, ये लिख दिया। उसके बाद हम लोग यहाँ पर लिखते हैं इसका ईमेल, तो हमने लिखा ये और example.com, देन पासवर्ड कुछ ले लीजिए। 10 करेक्टर से ज़्यादा का होना चाहिए, तो आप गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 से ज़्यादा है। अभी सबमिट में क्लिक करेंगे तो यहाँ बता देगा कि इंश्योर दिस वैल्यू हैज़ एट मोस्ट 10 करेक्टर, इट हैज़ 18, तो ये 18 करेक्टर का है जबकि ये 10 करेक्टर का ही होना चाहिए। तो 10 करेक्टर अगर आप इसमें देते हैं, जैसे सिर्फ और सिर्फ सोनम दिया हमने और यहाँ पासवर्ड हमने लिख दिया, और अब सबमिट करेंगे तो अभी ये काम करेगा सही तरीके से, कोई एरर नहीं, आपको डेटा आपको यहाँ पर टर्मिनल में दिख जाएगा। ठीक है, सो इस तरीके से बिल्ट इन वेलिडेटर आप लगा सकते हैं। इसे मीन लगाया, आप इसमें मैक्स लगाए, कॉमा लगाइए, फिर वेलिडेटर्स डॉट मीन लेंथ वेलिडेटर आपको लगाना है, तो ये लिखा मीन लेंथ कितना का होना चाहिए, मीन लेंथ कम से कम 3 करेक्टर का होना चाहिए तभी चलेगा, वरना नहीं। तो यहाँ पर अगर आप आकर और इसमें अगर जैसे 2 करेक्टर का दे दिया हमने, SAS दे दिया, और हम यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं पूरा example.com, और यहाँ पर हमने लिख दिया पासवर्ड, तो सबमिट में क्लिक करेंगे तो ये चलेगा कि इंश्योर दिस वैल्यू हैज़ एटलीस्ट 3 करेक्टर, इट हैज़ 2, तो 3 करेक्टर कम से कम होना चाहिए तभी ये चलेगा। तो यहाँ अगर आप लिखते हैं 3, तो 3 करेक्टर कम से कम होना चाहिए तभी आपको चलेगा, वरना नहीं। मीन और मैक्स इसी से डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ हमने डिफाइन कर लिया। तो ये होते हैं बिल्ट इन वेलिडेटर, जितने वेलिडेटर होते हैं सब यहाँ पर सेपरेटेड बाय कॉमा इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। इसको और थोड़ा सा इसका बेहतर लुक बनाने के लिए लोग इस तरीके से इसको लिखते हैं, तो आप चाहें तो आप भी लिख सकते हैं। यहाँ पर ये लिखा, अगर बहुत ज़्यादा वेलिडेटर है तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ लिखने का तरीका होता है। तो ये अगर दोस्तों बिल्ट इन वेलिडेटर, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये बिल्ट इन वेलिडेटर्स यूज़ करने का तरीका है। लेकिन आप कस्टम अगर बनाना चाहते हैं, जैसे कि मैक्स लेंथ वेलिडेटर ये है, अगर
कोई एक ऐसा वेलेटर जो कि हमारे पास नहीं है, बनाए बनाए हमें नहीं मिल रहा है और हमें खुद का बनाना है, तो वह कैसे कर सकते हैं वह भी मैं आपको दिखाता हूँ। उसके लिए हम लोग इसको कॉपी करते हैं, कॉपी नहीं करते, अच्छा कॉपी पेस्ट करते हैं, और एक्चुअली मैं इसको कमेंट करने वाला हूँ, या फिर कमेंट भी नहीं करते हैं, इसको कॉपी भी नहीं करते। मैं आपको इसी फॉर्म में दिखा देता हूँ, एक हमारा बिल्ट इन वेलेडेटर रहेगा, ये हमारा बिल्ट इन वेलेडेटर यहाँ पर है, और इसी में आपको कस्टम वेलेडेटर दिखाता हूँ इस फील्ड में लगा के, तो दो फील्ड में हमारा दो एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसी बात है। तो इसको हटाते हैं, और कस्टम आपको बनाना है अपना खुद का कस्टम इस तरीके से वेलेडेटर, तो किस तरीके से बनाएंगे हम लोग ईमेल फील्ड में लगाएंगे, ठीक है। जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरा जो भी ईमेल यहाँ पर लिखा जाए वो एस एस से शुरू हो, एस नाम से मुझे मोहब्बत हो गई है, तो एस नाम से जो ईमेल शुरू होगा सिर्फ वही हम लोग इनपुट के तौर पर लेंगे, वरना हम लोग दूसरे का नहीं लेने वाला। तो उसके लिए आप लोग एक वेलिडेशन लिखते हैं, वेलिडेटर लिख रहे हैं अपना खुद का कस्टम, यहाँ पर मैं इसका नाम रख रहा हूँ स्टार्ट विद एस, ये लिख दिया हमने, और यहाँ पर आपको वैल्यू लिखना है, बिकॉज यहाँ पर आपको वैल्यू मिलेगा जो आप उसमें देंगे, वह वैल्यू में वह वैल्यू आएगा। फिर अब यहाँ पर चेक करना है कि ईव आपका लॉजिक यहाँ पर, बस आप लॉजिक जैसे पाइथन में लॉजिक लिखते हैं बिल्कुल वैसे ही, तो ईव वैल्यू में जो आ रहा है उसका अगर जीरोथ कैरेक्टर नॉट इक्वल टू एस है, स्मॉल एस हमने लिखा है, ध्यान रहे ये नॉट इक्वल टू एस है, तो क्या करना है, एक रेज कर देना है वेलिडेशन एरर, या फिर आप ऐड एरर भी यूज़ कर सकते हैं। वेलिडेशन एरर हम यहाँ पर रेज कर देंगे, इसमें लिख देंगे कि नेम शुड, नेम नहीं ईमेल है ना, ईमेल शुड स्टार्ट विद एस, ये हमने लिख दिया, और ये हमें वहाँ पर दिख जाएगा। और हमने यहाँ पर क्या गड़बड़ किया भाई, ये अब डबल कॉट के अंदर सिंगल कॉट लिख सकते हैं, बट रहने देते हैं ऐसे ही। तो ये हमारा हो गया, ये हमने कस्टम अपना लिख दिया वेलेटर, लेकिन इसको अप्लाई कैसे करेंगे अपने इस फील्ड में, यहाँ अप्लाई करने के लिए आपको सेम वही लिखना पड़ेगा, आप लिखिए वेलीडेटर्स और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट, देन यहाँ पर आपको डायरेक्टली स्टार्ट विद ऐसे लिख देना, तो ये कस्टम है तो कुछ आपको इसमें लगाना नहीं है, डॉट वगैरह डायरेक्टली आप इस तरह से लिख सकते हैं, आप कॉमा देकर, और भी अगर आपके कस्टम एडिटर हैं तो उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। इसको सिंपली सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ आइए, और ज़रा ये इसको भी आपको देखना पड़ेगा, वरना आपका फॉर्म चलेगा नहीं, नेम वाले में जो है वह तो देखना पड़ेगा, साथ में आपको अभी ये भी देखना है। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए बिल्ट इन में है कि 3 से ज़्यादा बट 10 से कम होना चाहिए, और इसमें है कि ये एस से स्टार्ट होना चाहिए। चलिए पहले वैलिड फॉर्म देते हैं एक, तो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ सोनम, और एस से स्टार्ट होना चाहिए, तो सोनम एट एग्जाम्पल डॉट कॉम, ये एस से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर हमने पासवर्ड लिखा, सबमिट में क्लिक किया, फॉर्म हमारे उसके लिए सबमिट हो गया, और आपको यहाँ पर दिख भी जाएगा ये, ठीक है। अभी फॉर्म को इनवैलिड करते हैं, जिससे कि हमें ये दिखाई दे कि हमारा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये एरर हमें दिख रहा है या नहीं दिख रहा। तो वापस यहाँ आए हमें, और नाम में हम लोग देते हैं सही सही यहाँ सोनम, बट इसमें हम लोग दे देते हैं राज एट एग्जाम्पल डॉट कॉम, ये दे दिया, और पासवर्ड कुछ दे दिया। इसे सबमिट में क्लिक करेंगे आपको मिल जाएगा ईमेल शुड स्टार्ट विद एस, तो एस कैरेक्टर से ये स्टार्ट होना चाहिए, वरना ये आपका काम नहीं करेगा, ओके जी। तो इस तरीके से आप अपना कस्टम वेल्डर बनाकर भी यहाँ पर लगा सकते हैं किसी फील्ड में, तो ये ज़्यादा बेटर फील्ड फील कराएगा आपको, बिकॉज ये सेपरेट फंक्शन की तरह है, आप मल्टीपल फील्ड में इसका यूज़ कर सकते हैं, इवन मल्टीपल फॉर्म, एक और फॉर्म हो यहाँ पर तो उसमें भी आप इसका सेम इसी का यूज़ कर सकते हैं, अगर आप इसे ऐसा यूज़ कैसे, तो ये ज़्यादा बेटर फील करवाता है और ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है इसको इस तरीके से लिखना और इस तरीके से वैलिडेशन अपना खुद का बनाना, बजाय बाकी के जो हमारे पास ऑप्शन है, चाहे वो क्लीन मेथड हो या फिर क्लीन अंडरस्कोर फील्ड वाला मेथड हो, बट सबके अपने अपने यूज़ केस होते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए आपको अपना काम करना है। सो दोस्तों यही है बिल्ड इन वैलिडेटर एंड कस्टम वैलिडेटर बनाना, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। सबसे इंपॉर्टेंट काम मेरे चैनल में आना है, सब्सक्राइब करना है, प्ले स्टोर टैब में क्लिक करना है, और यहाँ से आपको जो भी पसंद है, जेंगो पसंद है जेंगो आप सीखिए, मॉडर्न स्टैक, लारावेल या फिर AWS या फिर और भी VPS रेडिस वगैरह सब कुछ है दोस्तों, जिसमें जो आपको काम में आने वाला है वो आप सीख सकते हैं। फिलहाल के लिए अगर आपको जेंगो सीखना था, इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद।